ऐसे ऐसे उड़ाएगा पूरा बदन हैं मत करे वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम कर दो। जय श्री श्याम करो हाथ जोड़ के। जय श्री श्याम। तो भाई आज का वीडियो कर रही हूँ मैं अभी शाम के टाइम से स्टार्ट, और आज खाने में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था सुबह से, मतलब सुबह तो बना लिया नॉर्मल सब्जी रोटी, फिर अभी शाम को बताया अभी 5 बजे से हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं आपस में कि खाने में क्या बनाए खाने में क्या बनाए। फिर ना इन्होंने बोला कि नहीं यार आज खाना खाने का मन नहीं है तो कुछ स्पेशल बनाए। तो भाई अभी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में क्या मैं स्पेशल बना रही हूँ। अचानक से मेरे माइंड में आया कि ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं घर में तो यही बना लेते हैं। तो बस अभी मैं चलूंगी किचन में, और ड्रगो को अभी फ़ोन ऑन करा था वैसे ही बोलने लग गया था नहीं मम्मा नहीं मम्मा, और ड्रगो फिलहाल देख रहा है हमारा कार्टून टीवी में चल रहा है ना। ड्रगो क्या देख रहा है आजकल? हमारा प्रभु न्यू शोज देखता है, और न्यू हम क्योंकि ये यूट्यूब से देखता है, ये यूट्यूब पे उसको जो भी पसंद आ जाता है वो ये देख लेता है। स्टे एडजस्ट करिए, ट्यूशन से आने वाली है और उसके एग्जाम चल रहे हैं तो बड़ी टेंशन रहती है उसको, और आजकल उसकी जुकाम भी हो गई है, तो जुकाम के चलते और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो बस अभी वो आने वाली है, थोड़ी देर में मिष्टी भी आ जाएगी, तो चलिए चलते हैं शाम के काम पर। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ अभी छत पर कपड़े लेने के लिए जो भी मैंने सुखाए थे धोकर के, और भृगु मेरे साथ जा रहा है। अभी क्या है हमारी सीढ़ियों पे रेलिंग वगैरह लगी हुई नहीं है तो भृगु का थोड़ा ध्यान से लेके जाना पड़ता है क्योंकि बच्चों का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। हाँ क्या हुआ? पतंग का है? ये देखिए भाई पतंग उड़ रही है, बहुत सारी पतंग उड़ रही है। अभी मैं आ गई हूँ छत पर और देखिए कितनी सारी पतंग उड़ने लग गई है। अब मकर संक्रांति तक ऐसे ही चलेगा, पतंगें उड़ती रहेंगी और उसके बाद में भी उड़ती रहेंगी। जिन लोगों को क्रेज होता है पतंग उड़ाने का वो तो उड़ाते ही हैं। और आजकल काफ़ी ठंड पड़ने लग गई है तो मुझे ना सच बताऊँ अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है छत पर तो ठंड लग रही है, तो मैं जितने भी सारे कपड़े हैं उनको पहले ले लेती हूँ। देखिए कैसी आवाज़ आ रही है पतंग की आवाज़, है ना प्रभु? प्रभु कैसे उड़ाएगा पतंग, कैसे उड़ाएगा कैसे उड़ाएगा? ऐसे करो नहीं। ऐसे ऐसे उड़ाएगा पूरा बदन हैं? तोड़ दिया पतंग? अरे प्रभु कुछ भी बोलता है कुछ भी। चलिए कपड़े ले लेते हैं पहले। तो अभी मैंने जो भी कपड़े सुखाए हैं वो सब मैं उठा लूँगी, और आज वैसे ज़्यादा कपड़े नहीं थे और भृगु को बड़ी मस्ती छा रही थी, मतलब उसको मज़ा आ जाता है जब भी छत पे आते हैं तो वे इधर से उधर भागता रहता है। और अभी छत की थोड़ी सी क्लीनिंग करना बाकी है, छत की झाड़ू वगैरह भी लगानी है। और आप देख सकते हैं कि भाई हमारे आसपास ना दो दो तीन तीन मंजिल के मकान बन चुके हैं और हमारा ही थोड़ा सा नीचे लगता है। तो बस जल्दी जल्दी से मेरे आप चैनल को जल्दी से सपोर्ट करिए ताकि के मेरी भी कुछ अर्निंग्स वगैरह हो, ताकि कि मेरा जो सपना है अच्छे मकान वाला, जैसे कि हमारा भी घर बन जाए। सबके मकान बनते हैं तभी मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि यार सबके बनते हैं तो एटलीस्ट मेरा भी बन ही जाए। तो मैं चाहती हूँ जल्दी से मेरे भी ऊपर एक दो मंजिल बन जाए। देखिए हमारे सामने भाभी रहते हैं ना, इनके तीसरी मंजिल बन रही है, तो ये लगता है यार भगवान जल्दी से हमारी भी एक और मंजिल और बन जाए फटाफट से, तो थोड़ा सा घर में भी स्पेस हो जाए और सामान रखने में जो दिक्कत प्रॉब्लम आती है वो भी ना रहे। तो प्लीज़ जल्दी से आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि कि मेरा चैनल अच्छे से ग्रो कर जाए और मेरे को भी मतलब जितना भी होता है ना कि एक सपोर्ट मिल जाए काम करने में। और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और खाने की तैयारी करने लगी हूँ। तो आप देख रहे होंगे यह है मैंने निकाल लिया है हरा धनिया और हरी मिर्च, तो आज मैं बनाऊँगी हरा धनिया और हरी मिर्च की चटनी, और थोड़ी बहुत मटर है इनको भी मैं छील लूँगी। तो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि आज खाने में क्या बना रही हूँ, तो पहले सबसे पहले मैं ये अपनी मटर छील लेती हूँ और इसके बाद मैं अपनी चटनी भी बनाऊँगी। तो चटनी से आप लोगों ने थोड़ा सा ये तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि चटनी बना रही है, इसका मतलब कुछ स्पेशल बना रही है।
तो मटर मैं छील लूँगी, और मटर हम थोड़ी बहुत ही लेके आए थे क्योंकि अभी नई नई मटर आ रही है ना, तो थोड़ी महंगी आ रही है। थोड़ी सस्ती हो जाएगी तो फिर ज़्यादा यूज़ में लेने लग जाएंगे। अभी कुछ भी बनाती हूँ थोड़ा कम कम यूज़ में लेती हूँ मैं मटर अपनी। जैसे कि दो बार, एक बार नमकीन पुलाव बना लिए थे उसमें डाल दी थी, और एक मैं अभी आज यूज़ में ले लूँगी। और बाहर थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो मैं भृगु को अंदर आने का लिए बोल रही थी। और आप भृगु हमारा क्या करता है ना, जितनी भी खुद रहा है ना चारों तरफ, उसको और ज़्यादा खोदने की कोशिश करता है। तो बड़ी मुश्किल से मैं उसको बाहर से अंदर लेके आई हूँ, क्योंकि के वो बाहर जब भी जाता है तो उसको खेलना रहता है बाहर जाता है तो वो। और बाहर ना आज काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, तो बच्चों का यही है कि शुरू शुरू में काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, आती ठंड और जाती ठंड में आपका विशेष ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का। और मैंने देखा है कि हमेशा जब भी ठंड आती है और जाती है ना, तो हम बीमार पड़ते ही हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने भृगु को पहना दूँगी स्वेटर। और इतने में ही हमारी मिष्टी आ गई है ट्यूशन से, वो ट्यूशन गई हुई थी, अभी मिष्टी के एग्ज़ाम चालू हो गए हैं तो उसको भी एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ता है। और भृगु को फ़िलहाल मैंने अभी ये पुराना वाला स्वेटर पहना दिया है, क्योंकि के ना थोड़े बहुत स्वेटर अंदर रखे हुए हैं तो हो जाता है ना थोड़ा सा आलस आ जाता है, तो इसलिए निकाल नहीं पाई हूँ मैं अभी। सर्दियों की शुरुआत भी हो गई है तो पर अब लगता है कि धीरे धीरे निकालेंगे, पर अभी फ़िलहाल ये ऊपर ही रखा हुआ है स्वेटर, तो मैं इसी को पहना देती हूँ। और सॉक्स वगैरह भी अभी थोड़ा ठंडा वगैरह लगने लग गया है, नीचे मार्बल वगैरह जो भी होता है ना काफ़ी ज़्यादा गलता है। और हमारे भृगु को टोपा नहीं पहनना होता है, फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उसको पहना दिया है, तो वो बाहर जाने की ज़िद कर रहा था तो फिर मैंने उसको भेज दिया था बाहर कि तू अब जाके थोड़ा सा खेल ले। तो यहाँ पर मैंने अपने आलू जो बॉईल करने के लिए रखे थे वो अच्छे से उबल गए हैं। अब मैं अपने आलूओं को छील लूँगी, पर अभी भी मैंने आपको नहीं बताया है कि आप सोच रहे होंगे आलू के पराठे बना रही है साफ साफ और हमको बता नहीं रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो फ़िलहाल मैं अपने आलूओं को छील करके रख देती हूँ। मत कर, उसको बचाया करने, देखो लड़ाई कैसे चल रही है हमारे बच्चों की। नहीं 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 ब्रेड खानी है। अच्छा ये देखिए हमारी मिष्टी खा रही है ब्रेड खानी, नमकीन खाने में लग रही है, और हमारे यहाँ इनका ऑफिस का चल रहा है काम, ब्रेड खाएगा। अभी बनाएंगे ब्रेड की स्पेशल चीज़, अभी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने सारी तैयारी कर ली है आलू। आज मैं आपको जो सस्पेंस था वो बता देती हूँ कि आज हम बना रहे हैं आलू बड़े और बना रहे हैं ब्रेड पकोड़े। एक्चुअली क्या मिष्टी को ब्रेड पकोड़े खाने थे, तो फिर छोटी वाली जो ब्रेड का पैकेट होता है ना वही लेके आ गए थे। और इसमें देखिए मैंने ये मसाला भर लिया है अंदर, मैं इसका बनाऊँगी ब्रेड पकौड़ा। और ये मैंने घोल बना लिया था आलू बड़े बनाने के लिए बेसन वाला। चलिए स्टार्ट कर देते हो। ये चटनी बना ली, चटनी बता देती हूँ आपको, ग्रीन चटनी बनाई है। मीठी चटनी तो एक्चुअली रखी हुई है फ्रीज में, तो फिर वही हम यूज़ में ले लेंगे, तो ग्रीन चटनी बना ली। अब आलू बड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा,
तो यहाँ पर मैं अपने आलू बड़ों को अच्छे से मीडियम लो फ्लेम पर तल लूँगी, क्योंकि कि अगर तेज़ आंच पे हम तलेंगे तो हमारे आलू बड़े जल जाएंगे और वो ढंग से अच्छे से पकेंगे नहीं अंदर से। और आप अभी थोड़ी देर पहले देख रहे होंगे हमारे मिष्टी और भृगु की ख़तरनाक वाली लड़ाई चल रही थी, और ये दोनों बच्चे ऐसे ही लड़ते हैं आजकल, क्योंकि भृगु को हर चीज़ वो चाहिए होती है जो मिष्टी लेती है, और मिष्टी फिर यूँ बोलती है कि मेरे को ये कुछ भी चीज़ नहीं से नहीं खेलने देता, पर हमारे भृगु को तो ये मान लीजिए इतनी ज़िद्दीला वो हो गया ना कि वो उसको जो भी उसको चाहिए लेना होता ना वो लेके ही रहता है। तो फिलहाल मैं अपने यहाँ पर आलू बड़े तल लेती हूँ, और एक मैंने मिर्ची बड़ा भी तला है साथ के साथ। तो आप देखिए गर्मा गर्म ये है आलू बड़े यम्मी वाले, और ये है हमारा एक मिर्ची वाड़ा ये जो मैंने बनाया है सिंपल घर की मिर्ची में जो था ना, मतलब छोटी मिर्ची उसी का बना के ट्राई कर लिया। तो अभी खिला देती हूँ मैं फिलहाल मिष्टी के पापा को, फिर मैं खाऊंगी। मैं खाती हूँ और देखती हूँ मैंने अच्छे बनाए। वेरी 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 बहुत टेस्टी है बहुत। अगर आप खाओगे तो बोलोगे वाह भाई कितने अच्छे पकौड़े बनाए। यहाँ पर मैंने बनाया है भृगु के लिए बिना मिर्च वाला ब्रेड पकौड़ा, ये देखिए आप। इसमें मैंने आलू बनाया बिना उसका मिर्च का, और फिर मैंने बेसन लगा के वही तल लिया था। और मिष्टी हमारी खा रही है, देखिए कैसी खा रही है, इस पर कुछ नहीं खपता है हमारी मिष्टी से। अच्छे लगे मिष्टी? और अभी मैं ही बताऊंगी आपको कैसे बने हमारे ब्रेड पकौड़े। चलिए मैं भृगु को खिला देती हूँ पहले। भृगु कैसे लगे? ऐसे कर दो, यूँ कर दो भृगु, ऐसे तो कर दो कैमरे में, ऐसे यूँ कर दो दिखा ले। तो अब मैं बैठ गई हूँ खाने के लिए अपने मिर्ची बड़े और आलू बड़े। ये देखिए एक मिर्ची बड़ा है, दो आलू बड़े हैं, एक मिर्ची भी है, और मैंने नीचे पेपर लगा लिया है ताकि कि इसमें एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए, क्योंकि मेरा जी घबराने लग जाता है ऐसा ऑयली चीज़ खाते हैं तो। और ये देखिए मिष्टी के पापा क्या चेक कर रहे हो, चटनी जो तुमने बनाई है ये खा रहे हैं भैया आलू बड़े। कैसे लगे हैं तो बता दो। मस्त, एक नंबर। चलिए भैया भी खा लेते हैं। फर्स्ट क्लास। फर्स्ट एक नंबर नहीं, फर्स्ट क्लास। मिष्टी को खिला दिए थे, भृगु को भी खिला दिए हैं बिना मिर्ची वाला बना के, है ना भृगु? खाया था ना? तो बाय कर दो। चलो चलिए अभी फिलहाल मैं अभी खा लेती हूँ अपनी मिर्ची बड़े, बाय कर दो। अब मैं कर देती हूँ अपने किचन को क्लीन और गैस की सफाई कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से इस नवाब जादू ने मुझे बड़ी मुश्किल से गैस की सफाई करने दी नालायक ने। और ये देखिए यहाँ पर बैठ गया है, और इसको गोदी में आना था पहले, तो फिर गोदी में इसको बड़ी मुश्किल से यहाँ पर बिठाया, क्योंकि मेरा काम फ्री नहीं करने देता ये नालायक। और अभी ये लाइट बंद चालू कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे करते हैं बताना ऐसे। ये देखिए ये इसका चालू है, और मैं अपना रसोई को कर लेती हूँ फिलहाल क्लीन। बर्तनों का ढेर भी बहुत सारा हो रहा है, ये भी क्लीन करने हैं अभी जस्ट, पहले ये साफ कर लेते हैं। कर लूँ साफ? कैसे करेगा, तू कर देगा? नहीं नहीं, देखिए अभी से ये हालत है, नहीं एक बार भी आनी निकलती मुँह में से, नहीं करना। और अभी तो जीजी को पढ़ाई भी करवानी है अपने को, नहीं करवाए। तू स्कूल जाएगा? नहीं जाना। नहीं जाना स्कूल? क्यों? स्कूल नहीं जाना? जाएगा ना? नहीं जाना। क्यों? तो कहाँ पे जाएगा? बंदर जाएगा। भृगु पापा कौन है? पागल है हमारा भृगु अपने पापा को पागल समझता है। भृगु पापा कौन है? और बंदर कौन है? बंदर कौन है? इसकी लैंग्वेज है ये ये बड़ा खतरनाक है। बाय कर दो। बाय। हाँ बाय। मोर। किस पक्षी का रंग हरा होता है और चोंच लाल होती है? तोता। कौन सी चिड़िया मधुर गाती है? कोयल। किस पक्षी की जो सबसे लंबी होती है? बगुला। मैना का साथी कौन है?
तोता। मेरा परिचय सुनाओ, मेरा परिचय। मेरा नाम मनस्वी है। जोर से बोलो। मेरा नाम मनस्वी है। प्रथम हाँ तो चलो ठीक है, अभी अपन सुन लेंगे। तो मैं मिष्टी को पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि मिष्टी का कल है हिंदी का एग्जाम, उसकी पढ़ाई करवानी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ बोल, क्या बोल रही थी? अभी चलते ही जा रहे हैं, कल आज इंग्लिश का था, फिर मैथ का है। हाँ मिस्टी के साथ भी एग्जाम टाइम चल रहा है, मिस्टी के एग्जाम चल रहे हैं स्कूल में, तो बस मैं अभी मिस्टी को पढ़ा लेती हूँ और वीडियो को भी अपने यहीं पर कर देती हूँ। एंड आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय कर दो प्रभु, बाय कर दो।